नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो शुक्ल जी की पुस्तक है ये तो हमारे लिए आधार का कार्य करती है। कहीं ना कहीं आप इसको सुनेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ ही होगा, उतना ही ये वीडियो आपको मुझसे जोड़े रखने में सहायक होता है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानती हूँ कि करीब 100 से 200 लोग ही हैं जो लगातार शुक्ल जी के जो वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सराहना दे रहे हैं, अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि अभी मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी में किसी तरह से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। अगर मैं कुछ फुटकर रूप से वीडियोस डालना चाहूंगी तो डाल दूंगी, लेकिन व्यवस्थित तैयारी के लिए अभी मेरे पास कुछ समस्याएं हैं। अगर मैं कभी इस तरह की आपको कोई भी सहयोग कर पाऊंगी तो मैं अवश्य सूचित करूंगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। आगे मैं देखूंगी, आपका सहयोग करना और आपसे सहयोग लेना, आपसे जुड़ाव मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, सब तैयारी करिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, परंतु जुड़ाव बनाए। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है। और ये भी कहा जा चुका है कि ये सब काव्य के साथ कला शक्ति के है ना। जिस तरह से बेल बूटे और नक्काशी मात्र सौंदर्य का साधन, उसी तरह से काव्य का भी लक्ष्य अगर मात्र सौंदर्य विधान बना रहे तो उसका जो भी प्रभाव होता है इसका उल्लेख हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। और ये क्यों हुआ? शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमने काव्य के साथ में कला शब्द लगाया। कला शब्द का प्रयोग इस चीज का एक बड़ा प्रभावकारी था। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई। अब ये बात ध्यान रखने वाली है, हमारे ऋषि मुनियों ने 64 प्रकार की कलाएं बताई है, परंतु काव्य की गिनती उन कलाओं में नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप में देखने मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है, जिसके अनुसार अंतसज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ति। मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को इतना ये सूचित करना और जरूरी समझ रहा हूँ कि अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए एक सिद्धांत का भी कला काव्य पे असर पड़ा है। कैसे? जिस सिद्धांत क्या है, जिसके अनुसार अंतःसंज्ञा में अतृप्त काम वासना की कला का निर्माण करने वाली वृत्ति है। अब अंतःसंज्ञा में अतृप्त काम वासना अगर कला के निर्माण करने की अंतर्वृत्ति है ना, तो यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि के समान कला भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान की ठहराया, जबकि ये सौंदर्य काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई। मतलब सौंदर्य विधान ही कला, अगर मनोविज्ञान के उस सिद्धांत की बात करें तो सौंदर्य विधान ही कला का लक्ष्य ठहराया गया और ये सौंदर्य विधान काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराया। तब पुरुष कवि के लिए ये स्वाभाविक हो गया, स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो, सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र जो कुछ भी सुंदर दिखाई उसकी ना स्त्री रूप के रूप सौंदर्य के भिन्न भिन्न
अंग लगाकर ही की जाए। जैसा आपने रीति काल में तो इस तरह का नहीं था, हर चीज को हाँ कह सकते हैं कि जिस तरह से रीति काल में हर जगह पर उन्होंने वही एक कल्पना कर ली है ना, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है यदि अतृप्त काम वासना को से काव्य कला को प्रेरित मान लिया जाए तब एक पुरुष कवि के लिए ये स्वाभाविक हो जाएगा कि उसको संसार में जो कुछ भी सुंदर लगता है उसको वो स्त्री के भिन्न भिन्न अंग लगाकर उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करे। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ती हुई लज्जा की ललाई लगाकर किया जाए। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी की उज्जवल वस्त्र या सुप्रभास द्वारा किया जाए। आकाश में फैली हुई कादम्बिनी तब तक सुंदर न लगे जब तक उस पर स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, उन्हें अब पुरुष कवियों की दीन अंकुरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। कारण आप समझ रहे हैं, यदि काव्य कला हम अतृप्त वासनाओं या अंतर्वृत्तियों से प्रेरित मानते तब क्या होना चाहिए, यहाँ शुक्ल जी उसका वर्णन करते हैं। पुरुष हर चीज को स्त्रीमय देखे और स्त्री को वही चीजें कहीं ना कहीं पुरुषमयी दिखाई। इस तरह से शुक्ल जी कह रहे हैं कि क्षितिज पे उठती हुई जो मेघ मालाओं को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। काव्य रचना और काव्य चर्या दोनों में इधर स्वप्न और मद का विद्वान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों में आए। लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को खुद सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा उनकी तन्मयता की दशा, या तो वो स्वप्न में बहुत सारी बातों का आभास कर लेते थे या वो जब बहुत तन्मयता से चीज के बारे में सोचते थे तब उन्हें आभास उन बातों का हो जाता। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग इन्हें इस प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाला जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे, क्योंकि वो अपने में खोए रहते थे, वो कहीं ना कहीं मग्न है ना, तो वो जब वहां विचरते थे तो लोग उनको देखकर ये कहने लगे कि ये प्यार से क्या कहने लगे कि ये तो अलग ही दुनिया के जीव है। ये बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवा के रूप में चलती है। पर ईसा की इस 20वीं शताब्दी के अंदर यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप फ्रायड द्वारा प्रदर्शित की। उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अंतःसंज्ञा में अतृप्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी है, है ना? कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी है। इससे कवि की कल्पना स्वप्न का अभेद भाव और भी अपना कवि की कल्पना और स्वप्न कल्पना करता है और जो वो स्वप्न देखता है उसका अभेद भाव मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह से सिद्ध हो गया, पक्का हो गया। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं, यूं ही नहीं कहीं यूं ही कहीं कहीं सामने के लिए एक आध शब्द आ जाया करें तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु अधिक सम्यता स्वप्न और कल्पना में नहीं की जा सकती। भाई स्वप्न स्वप्न है जो आपका अनकॉन्शियस माइंड जो मन हमारा सुस्ती होता है वो देखता है, और जो कल्पना हम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से कहीं कहीं कोई सामने आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर अधिकता इसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। अब मद और मादकता लीजिए, काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमान
यद्यपि इस्लाम के पूर्व यहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया और उसकी एक चिट भी कहीं नहीं मिलेगी, पर शायरी में मद और प्याले की रूह बनी रही। इस्लाम के पूर्व का वहाँ जो भी साहित्य था फारस का सारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन मद प्याले और इस तरह की कुछ रूहियां बनी रही जिनको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया। सूफी शायद दीन दुनिया से अलग प्रेम मद में मतवाले आजाद जीव माने जाते थे। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना वहां जड़ पकड़ती गई और वहां से हिंदुस्तान की यूरोप में गीते और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता। जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार वर्ड्सवर्थ को व्यवहार से अलग एक बिंद नहीं माना जाता। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बायरन और शैली में दिखाई पड़ा, जिसकी चर्चा यूरोप ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ हिंदुस्तान तक आ पहुंची। इस मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भी भावना पहले से फारसी साहित्य प्रभाव में बनती आ रही थी वह और भी पक्की हो गई। भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अगौर पंथ आदि कुछ संप्रदायों में सिद्ध मनाने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। हम उन्हें ही मतवाले यानी अपने घर में रहने वाले और फक्कड़ कहा करते थे। बाकी जो भी जीव थे भारत में तब तक जो भी व्यक्ति थे वो ज्यादातर सामाजिक प्राणी ही रहे। कवियों के संबंध में इसकी कोई चर्चा ही नहीं, और तब तक भारत में कवियों के संबंध में इसकी कोई चर्चा नहीं। यहाँ तो कवि के लिए लोक व्यवहार से कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे हैं उसमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या स्पष्ट हो जाएगा? कि जहाँ भारत यूरोप में मतवालेपन और फक्कड़पन कवियों का व्यवहार समझा जाता था, परंतु भारत में लोक व्यवहार में कुशल होना कवि के लिए आवश्यक माना जाता था। सुधा जी कह रहे हैं कि अगर काव्य शिखर के काव्य मीमांसा में जो कवि के लक्षण बताए गए हैं उनको हम देखें तो उससे ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ये ठीक है कि राजशेखर ने राजसभा में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है और ये स्वरूप एक विलासी दरबारी का मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि है, पर वाल्मीकि से लेकर और पंडित जगन्नाथ तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई भी मद में झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ या बेपरवाह नहीं माना गया। आपने भी पढ़ा होगा इनको थोड़ा बहुत, इनकी जो भी रचनाएं हैं आपको देखकर समझ आता होगा कि कोई भी एकदम बेपरवाह और फक्कड़ नहीं इनकी रचनाओं से जो प्रतीत होता है। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोग सीखे और मनस्विता तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है, फक्कड़ पर नहीं लगता था, एक सनक सी समझ आती है। और जैसे और लोगों अर्थ की चिंता में लीन रहते हैं वैसे ही वह अपने किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते थे। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रतियों को अत्युक्ति के साथ स्पष्ट करते हुए मद में छूटना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना इत्यादि कहने लगे। इसका परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि वे लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त भरी बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने लगे। मतलब यदि आपको प्रेम में आपको किसी एक प्रसंग में लीन देखकर आपको ये प्रेम में लोग कहने लगे थे तो इसका मतलब ये नहीं हरगिज समझना चाहिए कि कवि का लक्षण ही मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना ये हो जाए और कवि जो है इसको चरितार्थ कर।
लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कभी लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना करते ही हैं। पर यह बात नहीं, कवियों पर साहित्य के मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ा है और तेरे कवि विशेषता नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपर्युक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्य रचनाएं विरोध होती है जिनका कुछ अनुकरण काबला में हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत में रखकर रचना की है, उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई जिनकी देखा देखी बंगलौर हिंदी में भी होने लगी। इस प्रसंग को इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने रखकर कौतूहल उत्पन्न कर चेष्टा करना अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देकर दुख होता है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि काव्य और कला पर उस मतलब उस समय पर जो भी भड़कीले लेख दिखते थे उसमें अनभिज्ञता मतलब पूरी जानकारी ना होने और स्वतंत्र अपने विचारों का जो अभाव देखने को मिलता था उससे शुक्ल जी को बहुत ही दुख होता था। यहाँ स्वतंत्र विचार से मतलब है कि आप यूरोप को कहीं ना कहीं अनुकरण कर रहे हैं, उसको कहीं अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिकता सब देखना सब सुनना अच्छा है लेकिन जब हम उसको करें तो उसमें हमारी अपनी मौलिकता बहुत जरूरी है। एज इट इज मतलब जो कथी चीजों को ले लेना ही सही है। इधर कुछ दिनों से सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद का वाक्य समझ अपने यहाँ भी कहा है लिखकर उद्धृत किया करते हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं समय सत्यम शिवम सुंदरम बड़ा फैशन में है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अपने उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है इसलिए अपने यहाँ ऐसा कहा गया है ऐसा लिखकर उद्धृत किया करते हैं। ये कोमल पदावली ब्रह्म समाज के ब्रह्मर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की ठीक है। किसने कही थी ये? ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कही थी और वास्तव में द ट्रुथ द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल और अपनी उन्नति या प्रगति से अपनी उन्नति या प्रगति नहीं की जा सकती। बाहर से सामग्री आए खूब आए पर वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठा की जाए, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास की सहायता हो सकेगा। चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम आधुनिक काल काव्य खंड की बात करेंगे जिसका समय होगा संवत 1925 से 1950। देखिए दोस्तों कमेंट लिखने में शायद आपको एक दो मिनट लगते होंगे लेकिन आप लोग जब नीचे कमेंट्स लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे जुड़े रहने के लिए इतना प्रयत्न करती हूँ, आप भी लाइक और कमेंट कर दिया करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मिल देंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक साथ बनाए रखिए और इस साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।